हेलो व्यूअर्स, दिस इज सौरभ चौहान, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम अपने सर्किट डायग्राम में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसके लिए सर्किट डायग्राम इस वीडियो में मैं बात करूँगा। ओके, तो ये दो वायर है मेंस से, जो मेंस से कनेक्टेड है, दो वायर मेंस से कनेक्टेड है, दो वायर। एंड ये यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा, ये इंडिकेटर है, आपको इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल है। ये है स्विच, इंडिकेटर एंड स्विच। फर्स्ट वायर को स्विच में कनेक्ट करना है, और ये जो सेकंड वायर है उसको आप इंडिकेटर में जाकर कनेक्ट कर दीजिए, और जो ये सेकंड वायर है इंडिकेटर का उसको स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। हो गया। एंड यहाँ पे आपका एक बनेगा ट्रांसफार्मर, FM ट्रांसफार्मर, 6 वोल्ट का रहेगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में आसानी से अवेलेबल है। 6 वोल्ट, इसमें दो, ये एक इनपुट होता है और इसका अपोजिट साइड में आउटपुट होता है। इनपुट के लिए 2 कनेक्शन, आउटपुट के लिए 3 कनेक्शन। तो ये जो फर्स्ट इनपुट है उसको ये वाले वायर से कनेक्ट कर देना है, इंडिकेटर और स्विच से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है से कनेक्ट कर देना है। ये जो सेकंड इनपुट है उसको इंडिकेटर के फर्स्ट से कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट हो गया फर्स्ट इंडिकेटर के फर्स्ट वायर को, ये इससे कनेक्ट करना है। यहाँ से एक वायर निकलेगा, इस वायर को कनेक्ट करना है। ध्यान रहे बीच ध्यान, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे तार को टच ना करें। इनपुट हो गया कंप्लीट, आउटपुट, आउटपुट में 3 वायर होता है, 3 वायर का यूज़ नहीं होता उसमें, सिर्फ मात्र 2 वायर का यूज़ होता है। सो एक वायर, ये वाली वायर को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब बचिए 2 वायर्स, यहाँ रहेगा छोटी स्विच, बल्ब स्विच जो बल्ब के लिए रहेगा, और यहाँ रहेगा बल्ब, टॉर्च बल्ब। ये सब जो सामान है आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप में आसानी से अवेलेबल है, सस्ते दाम में। ये बल्ब, छोटा बल्ब है, टॉर्च बल्ब, अब ये स्विच, ये बल्ब। अब एक वायर ट्रांसफार्मर का बल्ब से कनेक्ट होगा, और जो ये वायर है ट्रांसफार्मर का वो स्विच से कनेक्ट होगा, एंड सेकंड वायर जो बल्ब का है वो स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। वायर को स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम, ये ऑन ऑफ स्विच है। तो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये है मेंस, मेंस से कनेक्शन गया, ये रहा इनपुट ट्रांसफार्मर का, 3 आउटपुट जिसमें से 2 यूज़ होगा, 1 यूज़ नहीं करेंगे, एंड देन बल्ब एंड स्विच। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे बनाना है प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकली कैसे बनाना है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक उसके मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।